Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Anand Narendra, IGKO, that's International Chicken Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing good, I hope you people are doing great. और आज का जो हमारा टॉपिक है IGKO में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अगेन शॉर्टी नोट सीरीज़. अब शॉर्टी नोट सीरीज़ के बारे में एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि जितने हमने शॉर्टी नोट सीरीज़ में टॉपिक कवर किए हैं वो बहुत अलग अलग वेरीड स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर डोमेन नहीं है जिसके ऊपर हम बात करते हैं. वी कवर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक दैट फॉल्स अंडर जीके, है ना. जो भी हमारे जितने भी हमारा सिलेबस है, जो भी स्पेक्ट्रम हमको दिया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग अंडर दिस. अब इसमें हुआ क्या है कि उसमें भी आपको मैंने दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी थी कि एक कंटेक्सचुअल होगा और एक जनरल स्टडी होगी, राइट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में. हम कंप्रहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज के ऊपर पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसको कंटेक्सचुअल वे में पढ़ने वाले हैं. हम एक टॉपिक है, एक वजह है कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कदम सरकार ने एक डिसीजन लिया है जिसमें बात की जा रही है. अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें तो, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, पता होगा. नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो भारत सरकार है वो बात कर रही है, उसने एक तरह का आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क तैयार किया है और ये बात बोली है कि भाई अमेंडमेंट जो है कॉम्प्रहेंसिव करने की ज़रूरत है क्रिमिनल लॉ में देश के. ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं. ये बहुत बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आपकी पॉलिटी की बात होती है, जुडिशल सिस्टम की बात होती है, तो वो वैसे भी जीके के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना. और ख़ासकर जब वो करंट अफेयर्स से जुड़ जाता है तो उसकी जो वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं किसी भी इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की, राइट. अब IGKO इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है. आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस पीपल हु टेल मी दैट यू नो IGKO तो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है ना, उसमें इंडिया के ऊपर हम इतना फोकस क्यों करते हैं. क्योंकि अगर आप उसके पेपर्स देखेंगे तो IGKO इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ज़रूर है, SOF उसको कंडक्ट करता है, लेकिन वो कंट्री वाइज जैसा होता है ना, जैसे आपको मालूम है ना KFC भी, जैसे अगर हम बात करते हैं कैंटकी फ्राइड चिकन, या अगर आप मैकडोनल्ड की भी बात करते हैं तो आपको मालूम है उसका इट्स अ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द सिंपल लॉजिक. ठीक है कि वो इंटरनेशनल चेन्स हैं, इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं, लेकिन वो हर कंट्री के हिसाब से अपनी जो उनकी जो पॉपुलेशन है जिसको वो केटर कर रहे हैं, जो उनकी टारगेट जो टारगेट उनका मार्केट है उसके हिसाब से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको जो उनके उसमें जो फेर बदल वो कर सकते हैं अपने मेन्यू में, अपने इंग्रेडिएंट्स में वो करते हैं ताकि वो उसको केटर कर सकें. ठीक है, ताकि वो अपनी जो टारगेट उनका मार्केट है उसको केटर कर सके बेटर वे में. तो वो हर कंट्री के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो KFC है या जो मैकडी है वो बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा दुबई अगर आप चले जाएंगे, या बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में. उनके मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो बहुत फ़र्क है ना. जैसे अपन वो सुनते हैं ना महाराजा बर्गर, आई डोंट नो महाराजा बर्गर KFC मैकडी का है या किसी और का है, बट अगर आप सुनते हैं महाराजा बर्गर तो ऑब्वियसली वो यूरोप में महाराजा बर्गर कह के नहीं बेच रहे हैं उसको, राइट. तो उसी तरह कोई भी जब इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की भी बात करते हैं तो आई वॉन्ट यू पीपल टू बी वेरी क्लियर विद दिस कि अगर हम IGKO की भी बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाँ ठीक है SOF कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है, बट हर कंट्री के हिसाब से उसको अलग अलग तरह से वर्कआउट किया जाता है, उसको अलग अलग तरह से उसका जो आप कहते हैं ना उसका जो फ्रेमिंग है उसमें फ़र्क आ जाता है. ठीक है, तो आप समझ में आया कि इंडिया पे हम फोकस क्यों करते हैं. ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे. और अगर इसके बारे में और भी कोई कहीं से भी कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, तो पुराने पेपर्स जब अपन डिस्कस करेंगे या अपन ने सैम्पल पेपर्स भी जब डिस्कस किए तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कितना ज़्यादा वो फोकस करते हैं हमारी लोकल चीज़ों पे या हमारे नेशनल इशूज़ पे या हमारी नेशनल जो चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल एक्सपोजर्स दैट दे आस्क फॉर, राइट. अब मैग्नेट ब्रेन्स में अगर आपको लगता है कि भाई चलो जैसे बाकी चैनल्स वगैरह में या बाकी जगहों पे अपन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, पुराने पेपर्स पढ़ लिए अपन ने, अपना काम हो गया. यहाँ पे अपन ऐसे नहीं कर सकते. अगेन एंड अगेन आई टेल यू, डू नॉट लुक आउट फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ, डू नॉट लुक आउट फॉर शॉर्टकट्स. अगर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ोगे ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, है ना. तो अगर ये IGKO एंड नहीं है लाइफ का, अभी तो शुरुआत हुई है ना, पहला स्टेप है. पूरी लाइफ अगर आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा ना तो दुनिया में कहीं पर भी जाओगे ना, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ अगर आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें भी अगर कोई चीज़ अगर ऐसी करते हो जो आज की डेट में समझ में नहीं आती, आज की डेट में बाकी आपके चार लोग जो आपके आसपास हैं वो अवेयर नहीं और आप हैं, तो ट्रस्ट मी दैट विल टेक यू टू अ वेरी लॉन्ग, दैट विल टेक यू टू अ वेरी डिस्टेंट प्लेस. एंड ऑल्सो वो आपको एक अबव एज देगा, वो जो X फैक्टर है ना वो X फैक्टर आएगा आप में. ठीक है, तो आ जाते हैं अपन फटाफट अपने अपने टॉपिक पे, एंड दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज. ठीक है, अगेन जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत भारी भरकम टॉपिक्स ना सुन के एकदम ऐसे उसमें इंटिमिडेट मत हुआ करो, घबराया मत करो कि मतलब ये तो क्या ही है, ऐसा टॉपिक समझ में आ रहा है कि क्रिमिनल लॉज, आई मीन हम तो बस 9th क्लास में पढ़ते हैं या 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉज से हमारा क्या लेना देना है क्योंकि कंटेक्चुअल टॉपिक है. ठीक है, इसको हम आसान वे में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल. अब न्यूज़ में क्यों है ये, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन रिसेंटली अभी अभी की बात है, सेंटर ने इनिशिएट किया है प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ का जो क्रिमिनल लॉ है या हमारे यहाँ का जो इंडियन पीनल कोड है, तो जब ब्रिटिशर्स थे ना हमारे यहाँ, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही वो इस्टेब्लिश हो गया था. कुछ चीज़ें हैं इंडिया में आज भी वही हैं, वैसी ही चल रही हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलती थी, है ना. चाहे आप बात कर लीजिए, अगर आप हम बात कर लेते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट्स की, या हमारे कुछ पीनल कोड्स हैं, आईपीसी की अगर हम बात करते हैं, या अगर हम अपने सीआरपीसी की भी बात करते हैं, या अगर आप बहुत सारे मतलब हमारे जो लेजिस्लेचर जो हमारा जो जिसको बोलते हैं ढांचा है, वो भी काफ़ी कुछ हमारा ब्रिटिश से लिया गया है. ठीक है, तो अब इसमें बात ये हो रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जाहिर सी बात है कि चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, है ना. ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज़ बहुत सारे बदलाव आए हैं, जो आसपास का समाज है उसमें भी बदलाव आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बदलाव आए हैं, पॉलिटिक्स में बदलाव आए हैं, हर तरह के बदलाव आए हैं. तो और नेचर ऑफ क्राइम भी चेंज हुआ है, मतलब जो नेचर ऑफ क्राइम आज से 100 साल पहले होता था वो आज नहीं होता. आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल गया है उसमें. तो इसमें जो आज की डेट में अगर आप बात करते हैं, अजय मिश्रा जी, जो कि ये बात उन्होंने उठाई है एक्चुअली. अजय मिश्रा जी उन्होंने मतलब उठाते तो सभी लोग हैं, मतलब इस पर डिस्कशन तो सभी का होता है, ऐसा तो होता नहीं अपने यहाँ तो जो आप कहते हैं ना अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक आदमी उठा और उसने कोई चीज़ प्रेजेंट कर दी. ठीक है, तो उस पर जो सलाह मशवरा है वो सभी का होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस करते हैं. लेकिन ये प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा में किसने प्रेजेंट किया है, ये यूनियन मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है. यूनियन मिनिस्टर कौन से, यूनियन मिनिस्टर द स्टेट ऑफ होम्स ने. ठीक है, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है अजय मिश्रा जी ने राज्यसभा में, और उन्होंने कहा है कि भाई क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट की और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ अमेंडमेंट की प्रोसेशन की ज़रूरत है, ताकि आज की डेट में जो क्रिमिनल लॉज हैं वो उस हिसाब से हों जैसे आज की जिसको आप कहते हैं ना आज के समाज की जो संरचना है उसके मुताबिक हो या उसके हिसाब से हो. ठीक है, इसकी उन्होंने बात उठाई. अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों के अमेंडमेंट की बात हो रही है सबसे पहले मूलतः. ठीक है, सबसे पहले हो रही है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड 1860 का. उसके बाद बात हो रही है आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर्स की, या क्रिमिनल की सीआरपीसी की आप बात कर लीजिए. सीआरपीसी कौन सा, आपकी बात हो रही है 73 का, और उसके बाद बात हो रही है वो 72 का. ठीक है, 1872 का. तो इसके ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर बात हो रही है. इन तीनों चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब हम बात करते हैं हमारे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसकी. ठीक है, अब उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ तौर पे बोली है कि भाई इसमें हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट है वो करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंसल्टेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स से लेनी पड़ेगी हमको, और इसमें स्टेक होल्डर्स जो है ये बहुत ही जटिल मामला है, है ना, बहुत ही मुश्किल मामला है, बहुत ही जटिल मामला है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बहुत कुछ उसमें समझना पड़ेगा. तो इसलिए कोई टाइम फ्रेम जो है वो तय नहीं किया जा सकता है, कोई भी ये बात नहीं बोली जा सकती कि आपको इतना, कोई टाइम लिमिट ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया जा सकता. लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें अमेंडमेंट होना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, अब इम्पेरेटिव हो गया है, और ये काम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा. ठीक है, अब अबाउट क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. बेसिकली क्रिमिनल लॉज इन इंडिया आप क्या समझते हैं? ठीक है, 2 तरह के केसेस आप समझते हैं. हम जब बात करते हैं लॉ की, जुडिशरी की, तो हम 2 तरह के केसेस समझते हैं, या तो सिविल केसेस हम समझते हैं या फिर हम क्रिमिनल केसेस समझते हैं. ठीक है, तो अब हम क्रिमिनल लॉज की अगर बात करते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट वेल मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस एंड प्रिजन फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट. अब आपको मालूम है ना, जब हम सेंटर की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं तो हम 2 तरह के, हमारे यहाँ एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है कैसा है, फेडरल है और यूनिटरी है, दोनों ही है, है ना. अब उसमें जब हम बात कर लेते हैं, एक और है जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ जाता है हमारे यहाँ, अपर हाउस लोअर हाउस वाला, जो हमने ब्रिटिश से लिया है. ठीक है, यूनिटरी में क्या होता है कि जितने भी पावर्स होते हैं वो किस में निहित होते हैं, सेंटर में होते हैं. फेडरल में क्या होता है, फेडरल में होता है स्टेट्स होती हैं, वो अपने आप में ऑटोनॉमस होती हैं, उनमें पावर्स होते हैं. ठीक है, अपने यहाँ दोनों क्यों हैं? क्योंकि स्टेट में ऑटोनॉमी तो है, स्टेट ऑटोनॉमीज तो हैं, लेकिन फाइनली वो किसको आंसरेबल है या किसके अंडर आती हैं या किससे रेगुलेटेड होती हैं? सेंटर इज स्टिल द पावरफुल वन. ठीक है, ये बात हो गई. अब इसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे लिस्ट आती है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है, तो क्रिमिनल लॉ एंड सिविल प्रोसीजर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होते हैं और जो भी मैटर्स होते हैं बाकी पुलिस या प्रिजन से, वो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं. ठीक है, द लॉज दैट गवर्न क्रिमिनल लॉज इन इंडिया आर द इंडियन पीनल कोड. आपने नाम सुना होगा ना, IPC की धारा 100 के तहत सामने वाले को फला फला की सज़ा दी जाती है, या IPC धारा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, फिल्मों में बहुत दिखाते हैं, है ना. तो क्लियर है IPC की धारा क्या होती है. IPC इंडियन पीनल कोड 1860 जो है ये क्रिमिनल लॉ, इसके तहत हमारा वर्क करता है देश में. अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जैसा मैंने आपको बताया, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सॉरी, इसको बोलते हैं CRPC. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीज़ भी है और बेसिकली ये तो वैसे भी पता होना ही चाहिए आपको. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका द क्रिमिनल प्रोसीजर. बेसिकली इसको CRPC से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा. बहुत सारी धाराएं जो होती हैं वो CRPC की धाराएं लगती हैं. ठीक है, मतलब अगर वो IPC के साथ साथ उसमें CRPC की जो धाराएँ हैं वो भी लगा दी जाती हैं. और कोई भी जब केस होता है, जब कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो सिविल मामला हो, तो उसमें क्या होता है कि कई बार सिविल मामले में भी कुछ CRPC की धाराएँ लग जाती हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज़ का भी मामला समझते हैं तो चलिए डोमेस्टिक अब्यूज़ से क्रिमिनल मामला हो गया, लेकिन अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ जैसे नहीं है, जैसे मेंटेनेंस चाहिए आपको, है ना, जैसे मियाँ बीवी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है, मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया जा रहा या कुछ नहीं दिया जा रहा, सिविल केस है, लेकिन उसमें फिर CRPC की भी धारा जो है, CRPC 25 लगती है शायद, जिसमें मेंटेनेंस का हक जो है वो मांग सकता है स्पाउस अपने स्पाउस से. ठीक है, इस तरह का, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड इज how the procedures in India work and how we follow the codes. ठीक है. अब इंडियन पीनल कोड को हम अच्छे से समझते हैं. इंडियन पीनल कोड, जिसको हम IPC बोलते हैं, जो आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बार बार, कई बार आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि IPC सेक्शन 100 के अंडर फलाने को डिटेन किया गया. तो ये बेसिकली इंडियन पीनल कोड है क्या. ठीक है, हम इसके बारे में समझते हैं. 1860 का इंडियन पीनल कोड जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है हमारे यहाँ का, जो गवर्न करता है सारे क्रिमिनल एक्ट्स को एंड पनिशमेंट दे ऑट टू बी चार्ज्ड विथ. ठीक है, मतलब कोई भी, अगर आप मान लीजिए चोरी चकारी से लेके जेब कतरा है, उससे लेके फांसी की सज़ा भी देनी है, तो किसके तहत दी जाएगी? इंडियन पीनल कोड के तहत. ठीक है, उसके में जो भी इनलिस्टेड जो भी सेक्शंस होंगे उसके तहत प्रोसिक्यूशन का काम जो है वो किया जाता है. उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएक्टिंग द IPC वॉज टू प्रोवाइड द जनरल एंड एग्जॉस्टिव पीनल कोड फॉर द क्राइम इन इंडिया. अब इसको क्या मतलब था? जो क्राइम हो रहा है उसमें पीनलाइज करने के लिए या पीनल कोड के लिए आपको क्या किया जाएगा, एक किसी तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाएगा कि इस तरह की अगर कोई घटना है या इस तरह का एक्ट है या इस तरह का कोई क्राइम कमिट किया गया है तो उस क्राइम को वो इस पीनल कोड के अंदर फॉल करेगा और इसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा. ठीक है, अब IPC एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में IPC जो है वो यूनिफॉर्म है ना. और इसका आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी जो भी कोर्ट्स है हमारे यहाँ, आपको मालूम है ना, इंडिया में जब जुडिशरी की बात होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ, है ना. तीन अंग क्या होते हैं? एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी. ये तो क्लियर है. ठीक है, जुडिशरी जो है हमारे यहाँ वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है ना. वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से अलग रखी गई है. उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है उसको आप एक तरह से गार्जियन भी बोल सकते हैं, अगर आप संविधान का बोलते हैं तो, है ना. तो अपने यहाँ जुडिशरी में भी किस तरह से डिवीज़न है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है ना. मतलब बिल्कुल जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है जुडिशरी में. फिर हर स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर आप आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, है ना. तो इस तरह से एक तरह से पिरामिड वाला स्ट्रक्चर हमारे यहाँ जुडिशरी का इंडिया में बना हुआ है और उस तरह से ही चीज़ें चलती हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें वो पूरे भारत में IPC को एक्सटेंड किया जाता है. punishment under the IPC can be extended both to offence committed within India as well as offence committed beyond but which by law may be tried within India. ठीक है, आप यहाँ पे बात आ जाती है extradition की भी. ठीक है इसमें एक्स्ट्रैडिशन की भी बात हो जाती है। अगर हम एक्स्ट्रैडिशन की बात करते हैं तो अभी हालिया में आपने सुना होगा कि एक्स्ट्रैडिशन के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है ना। एक्स्ट्रैडिशन के ऊपर हमने एक पूरी शॉर्टी नोट सीरीज़ भी बनाई है, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप पूरा देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक्स्ट्रैडिशन क्या होता है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में आपसी तालमेल होता है, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक बातचीत होती है। एक्स्ट्रैडिशन मतलब एक स्टेट में कोई क्राइम होता है, कोई क्रिमिनल है और यहाँ का नेशनल है स्टेट ए का और वो भाग के स्टेट बी चला गया है, तो वहाँ से स्टेट ए की जो गवर्नमेंट है वो डिमांड करती है स्टेट बी से कि वो जो क्रिमिनल आपके यहाँ छुपा हुआ है या आपके यहाँ फ्लड कर गया है हमारी कंट्री से, आपके यहाँ चला गया है आपकी ज्यूरिडिक्शन में, उसको हमें लौटाया जाए ताकि हम अपने यहाँ जो उसका जो कोर्ट प्रोसीजर है उसको चला सकें, उसको जो जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंट कर सकें हम उसे बिफोर द लॉ, और उसके ऊपर क्रिमिनल केसेज जो ट्रायल है वो चलाया जा सके ताकि उसको जो सज़ा है वो दी जा सके उसके किए की। ठीक है, ये आया समझ में, ये होता है एक्स्ट्रैडिशन। अब ये ज़्यादातर क्रिमिनल मामलों में होता है, लेकिन कुछ जहाँ बहुत बड़े नेशनल इंटरेस्ट के मामले आ जाते हैं या नेशनल लेवल के मामले आ जाते हैं वहाँ पे सिविल में भी हो जाता है, जैसे अभी विजय माल्या का चल रहा है या नीरव मोदी का चल रहा है, जिसमें भी आपने सुना होगा ना कि बोरिस का जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया है एक्स्ट्रैडिशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने बात की है विजय माल्या के एक्स्ट्रैडिशन पर। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये समझे। अब इसमें क्या होता है कि आईपीसी के तहत किसी भी गुनहगार को आप सज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो जो मैटर है वो इंडिया के ज्यूरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए। पहली बात, इंडिया में आप किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी आईपीसी के तहत उसको सज़ा दे सकते हैं उस कमिटेड क्राइम के लिए जो उसने किया है, ठीक है, कॉन्विक्ट को। लेकिन आप वो मामला बाहर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो आदमी इंडिया में ही हो, लेकिन उसको लाया वापस इंडिया ही जाएगा। ठीक है, आप किसी और देश में या किसी और कंट्री में जाके आईपीसी के तहत मामला तो दर्ज नहीं कर सकते, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो कोई अगर भाग के बाहर चला गया है तो आपको उसको वापस देश में लाना पड़ेगा और यहाँ की अदालत में उस पर ट्रायल चलेगा जो कि आईपीसी के अंडर होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और बात में, ये आईपीसी क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, आईपीसी में बहुत सारी धाराएं होती हैं, मतलब अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो ऑब्वियसली लॉ जो लोग करते हैं, अपन को लॉयर नहीं बनना है अभी से, ये मोटा मोटा आपको जो समझने की ज़रूरत है मैं आपको सिर्फ उतना समझा रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें बहुत गहराई में जाएंगे अपन तो बिल्कुल फिर लोग जो हैं वो इंटीग्रेटेड ऑनर्स करते हैं, लॉयर बनते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं, वहाँ अपन को नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जिसको बोलते हैं CRPC। ये है 1973 में, ये प्रोसीजरल लॉ है दैट स्टेट हाउ द पुलिस मशीनरी इज़ टू फंक्शन एज फार एज इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड बाय कोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ठीक है, अब CRPC क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें आप ये बताते हैं, स्टेट करते हैं जिसमें कि भाई जो स्टेट की, जो राज्य की जो पुलिस है वो किस तरह से काम करेगी या मशीनरी जो है वो किस तरह से काम करेगी, फंक्शन करेगी। जहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टिगेशंस की या प्रोसीजर की, इज़ टू बी फॉलोड बाय कोर्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो जो फॉलो जो है मशीनरी जो है, जो स्टेट मशीनरी है वो किस तरह से सहयोग करेगी या किस तरह से कार्य करेगी। बात जब हो रही है कि जब कोर्ट्स में मामला दर्ज है, चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, प्रोसीजर इज ऑनगोइंग। ठीक है, उसके बाद CRPC क्लासिफाई करता है क्रिमिनल ऑफेंसेस इनटू 7 कैटेगरीज। जैसे मैंने कहा CRPC में अलग 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 चीज़ों के लिए आपका बनाया गया है कि भाई इस तरह का क्राइम है तो वो CRPC के इस धारा के अंदर आएगा, इस तरह का क्राइम है, टाइप 2 का क्राइम है तो इस तरह की धाराएं होंगी, टाइप C का है तो इस तरह का होगा, टाइप D का है तो इस तरह का होगा। ठीक है, CRPC उसको क्लासिफाई करता है क्रिमिनल ऑफेंसेस को, वो करता है 7 कैटेगरीज में। पहली बात होती है बेलेबल, जिसमें आपको बेल मिल जाती है, कुछ होती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें आपको मालूम है कि बेल नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद होते हैं कॉग्निजेबल एंड होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फाइन, अब द प्रोसीजरल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस इज डिफरेंट। अब आप इसको सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम बात करें ऑफेंसेस की तो हमें ये बात समझ में आती है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं अगर वो अलग अलग नेचर के हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो जाएगा या उनकी डीलिंग्स भी अलग अलग हो जाएगी, है ना। आप एक ही तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपने किसी आदमी ने जेब कतरे का, जैसे किसी ने किसी की पॉकेट मारी है तो उसको, या किसी ने किसी को चक्कू मारा है, वो तो एक चीज़ तो नहीं है ना। वो आप ये तो नहीं बोल सकते कि क्राइम इसने भी किया, क्राइम इसने भी किया, दोनों चीज़ें बराबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ऑब्वियसली द नेचर ऑफ क्राइम जो है वो डिफाइन करता है कि किस तरह से उसको डील किया जाएगा. ऑलराइट, द वेरियस स्टेप्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट, सच एज फाइलिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ये आपको मालूम था एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? हम बोलते हैं ना पुलिस में जाके कम से कम पहली एफआईआर तो दर्ज करो, या बोलते हैं ना एफआईआर तो कम से कम पुलिस में दर्ज करो. एफआईआर का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. जो पहली आप सूचना, आधिकारिक सूचना जो आप पुलिस को देते हैं कि फला फला चीज़ हुई है, फला फला क्राइम हुआ है, या फला फला चीज़ हुई है. कोई भी मामला आप ले सकते हैं, चाहे आप सिविल ले लें, चाहे आप क्रिमिनल ले लें. यहाँ पे हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल के उससे समझते हैं. अगर आप जाके किसी की जेब काटी गई है, या आप गए कहीं, आपकी घड़ी चोरी हो गई, तो आप इसके लिए भी एफआईआर कर सकते हैं. या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी ने मेरी जेब काट ली, या आप कह सकते हैं कि आपने कोई क्राइम होते हुए देखा. जो भी, जो पहला इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है वो, उसको हम बोलते हैं, पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको हम बोलते हैं एफआईआर, जो आपको मालूम है लोकल पुलिस थाने में दर्ज होती है. ठीक है, गैदरिंग एविडेंस एंड इनिशिएटिंग द इंक्वायरी आर ऑल गवर्न्ड बाय CRPC. अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपने पुलिस को दे दी, वहाँ पे जाके आपने कंप्लेन कर दी, पुलिस लोकल थाने में गए आप, और वहाँ पे जाके आपने अपनी पहली एफआईआर लिखवा दी. लिखित में देनी पड़ती है वो. ठीक है, आपने सिर्फ ओरल नहीं होता, ज़बानी नहीं होता, लिखित में होगी वो. आपने एफआईआर दे दी. अब जब वो एफआईआर दे दी तो उस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है. कोई ना कोई तो उसके ऊपर कानूनी, जो आपने अगर कुछ लिखित में दिया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसीडिंग होगी. ठीक है, कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वो जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ की जो पुलिस करेगी, जो लोकल लोग जो होंगे मशीनरी के, वो उस पर एक्ट करेंगे. वो किसके तहत करेंगे? अगर वो इंक्वायर कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं इंक्वायरी, या मामला खोल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंक्वायर करने के लिए, वो सब कुछ जो होगा, ये आगे का जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी जांच पड़ताल जो भी होगी, जो भी आपके सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी काम होगा वो आगे जाके काहे पे होगा, वो सब कुछ CRPC से गवर्न होगा. ओके, अब हम आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे. ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, आई एम श्योर आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना. IPC क्लियर हो गई आपको, और आपको कौन सा क्लियर हो गया? आपको CRPC भी क्लियर हो गया. अच्छा हाँ, CRPC में एक और बात हुई, जब मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल और इनकॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, तो समझ में आ गया होगा ना. जिसमें बेल मिलती है नॉन बेलेबल होता है, जिसमें नॉन बेल नहीं दी जाती. वैसे कॉग्निजेंस और ये था जो, ये आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बता दूँ. कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो थोड़े से सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं. मतलब ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है, इतने सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं कि अगर उसको जैसे आप मानते हैं ना फिल्मों में, जैसे आप दिखाते हैं, मैं फिल्मों का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से वास्ता आपको फिल्मों में ही पढ़ा होगा अभी तक, है ना. तो कोर्ट कचहरी से ना ही पढ़े तो अच्छा है, लेकिन हाँ मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि थोड़े सीरियस, गंभीर आरोप होते हैं, गंभीर नेचर के क्राइम्स होते हैं, और जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के पास, जिसको बोलते हैं ना, अगर तुम मेरे घर की तलाशी लेने आए हो तो वारंट दिखाओ, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अगर पुलिस ऑफिसर चाहे, या उसमें इस तरह का कोई उसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें इतनी थोड़ा सा सीरियस टर्न पे हैं कि वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है. ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उससे ऑपोजिट होता है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, अपने यहाँ भी होता है. जैसे इसमें आप मान लीजिए कि पब्लिक में आपने मिसबिहेव कर दिया, या आप ईव टीजिंग हो गई, या इस तरह के जो होता है. ईव टीजिंग कॉग्निजेबल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर. जैसे वो एसिड अगर जो फेंका गया था, किसके ऊपर फेंका गया था, वो बंदी किसके ऊपर, वो छपाक जो मूवी बनी है लक्ष्मी, है ना, तो वो अलग हो गया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर पब्लिक गैदरिंग में कोई मिसबिहेव करता है या पब्लिकली कोई अनॉयंस होता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होगा. ठीक है, आपको ये समझना होगा कि कॉग्निजेबल इज मच सीरियस इन नेचर. बट ऑफकोर्स ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी जैसे मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे, और डिपेंड करता है ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, कि किस लेवल पे वो चीज़ जो है, कितनी गंभीरता किस लेवल की है उस क्राइम की, उस पर निर्भर करता है कि CRPC उसको किस तरह से डील किया जाएगा CRPC के तहत. अब इसमें अपन आ जाते हैं, अब वापस आते हैं अपन अपने इंडियन एविडेंस एक्ट पे. ठीक है, 1872 का है ये एक्ट. क्या कंटेन करता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब ये है कि एविडेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी, जो आप कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं ना कानून सबूत मांगता है, कानून अंधा होता है, कानून सबूत मांगता है, तो ये जो कानून सबूत मांगता है वो आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि वो एविडेंस एक्ट की बात हो रही है. ठीक है, कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो प्रूवन है, ऑन फैक्ट्स बात की जाएगी, है ना. और जिसको बोलते हैं कि आपको प्रूफ करना है, ये जो है ये भी आपका काम है. ठीक है, आप प्रिजम्पशन वाला काम नहीं है कानून में कि मान लो, अज्यूम कर लो, प्रिज्यूम कर लो, वो वाला काम नहीं है। आप तो ऑन फैक्ट्स बात कीजिए, जिस चीज़ का सबूत है वो आप मानिए, वो बात होगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह पे काम करता है ये। ठीक है, दीज प्रोविजन स्पीक्स अबाउट बोथ प्रोसीजर एंड द राइट्स एज इट प्रोवाइड द प्रोसीजर एज टू हाउ टू प्रोसीड टू द कोर्ट एंड हाउ टू एस्टैब्लिश अ क्लेम बिफोर द कोर्ट। अब ये प्रोविजन में एक्चुअली सभी कुछ बात करता है वो, कि पहली चीज़ तो ये बात करता है कि आपको प्रोसीजर एंड राइट्स के बारे में बात करता है कि एक तो क्या, किस तरह का, जो एक आप कहते हैं ना कि किस तरह का प्रोसीजर है या किस तरह का काम है या किस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, या जिसको आप कहते हैं कि और आपके जो राइट्स हैं या आपके जो अधिकार हैं वो किस तरह के हैं। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि प्रोसीजर है तो प्रोसीड किस तरह करेगा कोर्ट में या कानून में। कोई चीज़ अगर आपने की है, दी है, कोई आपने मसला है जिस पर आपने पुटअप किया है कोर्ट में, तो किस तरह से उस पर काम करेगा या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये भी इस्टेब्लिश किया जाता है आर क्लेम्स बिफोर द कोर्ट, कि हमें जाके कानून का, जैसे कहते हैं ना, दरवाज़ा खटखटाना है, तो कानून का दरवाज़ा ऐसे नहीं होता लिटरली, मतलब दैट इज़ नॉट टू बी टेकन लिटरली ना कि आपको कोई कानून का कोई दरवाज़ा है और आपको वहाँ जाके ठक 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 करना है, वैसे नहीं होता। इट इज़ अबाउट कि आपको किस तरह से अपना जो क्लेम है वो प्रेजेंट करना है कोर्ट में, बात उसकी हो रही है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि पहले के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी उनका ये कहना है कि भाई बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमको करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब से बड़ा है, मतलब आप बात कर रहे हैं 1860s की, आप बात कर रहे हैं 1870s की, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए या कोई चेंज नहीं हुए या कोई संशोधन नहीं हुए। अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारा जब क्या बोलते हैं कि हमारे पार्टीशन के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे हुए हैं। किस तरह के हुए हैं हम पहले वो समझते हैं। ठीक है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक द रेप लॉज इन इंडिया मोर स्ट्रिंजेंट। और ये क्यों ज़रूरत पड़ी थी 13 में, आप समझ गए होंगे कि जब हम 13 की बात कर रहे हैं तो ये वो समय है जब बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, बहुत बड़ी मतलब जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में, जिसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद इतना आप कह सकते हैं जिसने हिला के झंझोर के रख दिया था हर स्तर पे, सरकार को भी, आम आदमी को भी, मीडिया को भी, सबको। मतलब आप देख सकते हैं कि आज तक जब तक वो, जिसको कहते हैं ना, रेजोल्यूशन पे नहीं आया, जब तक उनको फांसी नहीं हो गई तब तक वो मामला जो था वो चलता रहा। उसके बाद बहुत सारे नियम आए, उसके बाद ये देखा गया कि बहुत स्ट्रिंजेंट हमारे यहाँ लॉ को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना भयानक अपराध करने के बाद भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं बच निकलने का। और हमारे जो लॉ है वो इतना क्या बोलते हैं आप उसको, लुचपुच था कि लोगों को ये डर नहीं था, भय नहीं था लिटरली, कि उसके बाद इतना बड़ा काम करके भी उनको ये लगता था कि वो बच के निकल सकते हैं और अपने यहाँ के लॉ उनको कुछ कर नहीं पाएगा। उनको लगता था कि 7 साल की ज़्यादा से ज़्यादा, एट मैक्स वो सोचते थे कि 7 साल की सज़ा है ना। मतलब बहुत कम ऐसे केसेस थे जहाँ पे लोगों के अंदर डर पैदा करना इसके बाद बहुत ज़रूरी था, इसको आपको मजबूती देना बहुत ज़रूरी था, स्ट्रिंजेंट बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि इस तरह के और केसेस ना हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि वो आखिरी केस था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उसके बाद भी बहुत ऐसे केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आज भी आपको लगता है कि उसके बाद भी क्या सीख ली हमने, या क्या हमने क्या हमने रिफ़ॉर्म किया। लेकिन ये रिफ़ॉर्म सिर्फ कोर्ट की तरफ से तो नहीं हो सकता, इंसानों की तरफ से भी होना ज़रूरी है, पब्लिक की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से भी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो हम ये समझ लेते हैं कि उस टाइम पर हुआ था कि रेप लॉज जो है इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंट बनाए गए थे। This amendment widened the definition of rape by including oral sex and infiltration of any other object in woman's body as a crime. Stalking had also been criminalized under this act. Stalking मतलब आपको मालूम है ना कि सिर्फ आप किसी का पीछा कर रहे हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं तो Instagram पे किसी की फ़ोटो देख के फॉलो कर रहा था, Facebook पे किसी को देख के फॉलो कर रहा था, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा था। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो तो मैं यूँ ही कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, वो टाइम पास नहीं है, वो क्रिमिनल लॉ है के अंडर आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है भारत में। ठीक है, स्टॉकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया, राइट। सो इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो संशोधन किए गए, एंड वेरी गुड, इट वाज मच रिक्वायर्ड। इसके अलावा द एक्ट वॉज फर्दर टू स्ट्रेंथन द रेप लॉज। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम एटलीस्ट 7 to 10 years। जैसे मैंने कहा ना, पहले लोगों को लगता था कि 7 साल, मात्र 7 साल की आपको सज़ा मिल गई तो आपको लगा कि बस हो गया, आपने पीनलाइज आपने किया, मतलब हाउ कुड यू, हाउ इनसेंसिटिव दैट वाज कि आप मात्र 7 साल की सज़ा के बाद, मतलब 10 साल भी हालांकि कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है उसके लिए फॉर द नेचर ऑफ द क्राइम, कि आप मात्र 7 साल या 10 साल जो है जेल में गुजार के आप अपना जो है वो नलीफाई कर सकते हैं या आप उसको एब्सोल्यूशन के उस पर स्तर पर ला सकते हैं। ऑफकोर्स नॉट, आपने किसी की पूरी लाइफ ख़राब कर दी। इन मेनी केसेज यू इवन यू नो द person, even if you don't kill the person, even आपने देखा होगा कि there are many instances when the girls commit suicide and stuff. तो obviously perhaps that should be committed, that should be considered as a murder, not a suicide, because आपने किसी महिला को, किसी औरत को उस mental state तक पहुँचाया। And I'm not talking about just women, even the small boys, even the men suffers from that. ठीक है? Provision for punishment for rape of a girl under 12 to 16 were added under it. अब इसमें कहा गया कि 12 से 16 साल की जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनका अगर रेप होता है तो उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है, ये उसमें क्रिमिनल लॉ में चेंज किया गया था। हालांकि इसमें एक आपने निर्भया के कांड में आपने एक चीज़ देखी होगी, एक जो अपराधी था उसको जुवेनाइल के उस पर, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड जुवेनाइल, उसको छोड़ दिया गया था, है ना, उसको सिर्फ रिहैब वगैरह में जो सेंटर था उसमें दिया गया, लेकिन उसको पीनलाइज नहीं किया गया, फांसी की सज़ा उसको नहीं दी गई। और मैक्सिमम जो एक जुवेनाइल के लिए जो हमारे यहाँ कोड में जो एक कोड में जो हमारी वो बना हुआ है ना कि भाई इससे ज़्यादा आप जुवेनाइल को सज़ा नहीं दे सकते, वो टर्म सर्व करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। बट इट शुडन बी द केस। वहाँ पे भी बहुत सारे जो ह्यूमनिटेरियंस थे, ह्यूमन राइट्स वाले थे, एनजीओस थे, लोग थे, आम आदमी था, उसने बहुत आक्रोश जताया और बहुत आवाज़ उठाई, जिसमें उसने कहा कि भाई आप नेचर ऑफ क्राइम भी तो देखिए, वो बच्चों वाला क्राइम था क्या। इफ़ द मैन और द पर्सन और द बॉय इज़ मैच्योर्ड इनफ और ग्रोन अप इनफ टू रेप अ then he cannot be considered a child। आप उसको बच्चा कैसे कंसिडर कर सकते हैं? उसने कोई जेब नहीं मारी है किसी की कि आप कहेंगे चलो बच्चा है, गलती हो गई, छोड़ दो। राइट, नेचर ऑफ क्राइम, वो जुवेनाइल लॉस को भी संशोधन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके ऊपर भी सवाल बहुत ज़्यादा उठाए गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं हम। नीड ऑफ अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉज अकोमोडेट द इवॉल्विंग सोसाइटी। अब जैसे कि जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो सोसाइटी का जो बदलता स्वरूप है उसके अनुसार आपको अपने जो लॉज हैं उनमें चेंज करने की ज़रूरत है ना। आप ये नहीं कर सकते कि भाई आज से 50 साल पहले जो चीज़ होती थी हम आज भी वही करें। उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, अलग अलग तरह के क्राइम्स आ गए, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो आप आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इतना हाईटेक हो गया है हर चीज़। राइट, सो आपको उनमें क्रिमिनल केसेस में या क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के जो लॉज हैं उनमें भी आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि आपको अपना ढर्रा जो है वो बदलना पड़ेगा। आप उसी ढर्रे पे नहीं चल सकते जिस ढर्रे पे 1860 में वो जो आईपीसी बना था, या सीआरपीसी भी अगर आप मान लीजिए 1900s में भी बना था, अगर 1972 में 73 में भी बना था, तो भी आप उस ढर्रे में नहीं चल सकते, तो भी बहुत अंतर आ गया है। ठीक है, अब इसमें अकोमोडेट क्या करना पड़ेगा? इवॉल्विंग सोसाइटी विद द चेंजेस इन द सोसाइटी, पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल एंड द नेचर ऑफ क्राइम, द लॉज नीड टू इवॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्रेरी नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल, ऑल्दो द IPC enacted in 1860 was ahead of its time and been in India for 1.5 centuries. It has not kept pace with the progressive times. Of course, अगर आप बात कर रहे हैं यार 1860s की, 1860s में अगर IPC बना था तो एक तो पहली बात तो ये कि उस टाइम पे इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। IPC जो उन्होंने बताया वो बनाया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना, उनका एक माइंडसेट था। ब्रिटिशर्स कोई बहुत ही फिलंथ्रोपिक तो थे नहीं, कोई बहुत ही भारत का भला करने के लिए तो रह नहीं रहे थे, वो एक्सप्लॉयटर्स थे, है ना। तो उनके जो लॉस थे उन्होंने बहुत अलग तरह से बनाए। और आज भी आप सोचिए कि 1.25 सेंचुरी बाद, 1.5 सेंचुरी बाद भी अगर हम ये सोचें कि भाई वो जो लॉस थे हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसी पे काम करना चाहिए, तो उसमें हमें बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि इंडिया में जितने चेंजेस आए हैं इतने सालों में वो बहुत कम जगहों पर आते हैं। और आप उस पर सोचिए कि आप इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई, उसके बाद पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चली वो चली। इंडिपेंडेंस के बाद आप आ जाते हैं कि उसके बाद आपका पार्टीशन हुआ, उसके बाद अलग अलग तरह की सरकारें बनी, आपका जो पूरा सिस्टम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क इन प्लेस आया, आपके पूरा जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सब अपनी जगह पे आए, तो आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं या कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि 1.5 सेंचुरी पहले जो चीज़ बनी थी वो आज भी आपकी लागू होनी चाहिए? ठीक है, माना उस ज़माने के हिसाब से बहुत आगे था, माना कि वो बहुत आगे का विजन लेके चल रहे थे, बट आप उसको लेके आज की डेट में आपको उसमें संशोधन करने की बहुत ज़रूरत है। अब अपन बात कर लेते हैं रिकग्नाइज न्यू क्राइम्स। एज आई सेड कि भाई क्योंकि समाज इतना बदलता जा रहा है, इतना तेज़ी से बदल रहा है, मतलब अगर आप बात कर लेते हैं 1990s की बात करते हैं आप, तो उसमें और 2000 में इतना फ़र्क आ गया है इन 10, 12, 15, 20 सालों का जो फेज़ है, जो 1900 से 2000, 2015 तक का आप मानते हैं, तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। काहे से आया है? मेजर एडवांसमेंट आया है आपका टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, सोशल मीडिया के आने से, बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो एक्सेसिबिलिटी है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप ये जो आजकल आप बात करते हैं ना ट्रोल की, या आप बात करते हैं सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चीज़ें होने की या कोई चीज़ वायरल होने की, ये चीज़ें पहले होती ही नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट? तो पूरा जो ढर्रा बदला है ना, जो पूरा स्वरूप बदला है, उस हिसाब से अपने आप को ढालने की, बदलने की ज़रूरत है। Recognize new crimes. The reconstructing of criminal laws is needed as many of the provisions have become obsolete with changing economic development and technological advancement. As I said, कि कुछ चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो आज के दौर में, आज के समय में सुनने ही नहीं मिलती। वो हर दौर में चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब हर एस्पेक्ट पे चीज़ें चेंज हुई हैं। आप जीने का तरीका लोगों का बदला है, बातचीत का तरीका लोगों का बदला है, लाइफ को देखने का नज़रिया लोगों का बदला है, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम करने का भी तरीका लोगों का बदला है ना? तो एक चीज़ में तो आप कहो कि नहीं बिल्कुल हम तो एकदम 1860 का मॉडल बन जाएंगे, और बाकी चीज़ों में कहो कि नहीं बिल्कुल हम तो 21वीं सदी के हैं और 2050 में रहेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो गैप तो ब्रिज करना पड़ेगा आपको, राइट? उसकी वजह से है। दूसरी बात होती है कि जब गवर्नमेंट है, आप इंडिया में भी अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, तो बहुत स्टेबल गवर्नमेंट हमारे यहाँ हुआ करती थी, है ना? मतलब सरकारें जिस हिसाब से आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, वैसा तो होता नहीं था, है ना? ना इतना आपने जिस तरह की पॉलिटिक्स में आजकल जो आप देखते हैं नेक्सस पॉलिटिक्स में है, उस तरह की नहीं थी चीज़ें। तो उसके हिसाब से भी आपको बदलती हुई चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, जब आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा है, मॉब लिंचिंग हो गया, ट्रोलर्स हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस जिस तरह के हो गए वो हो गए, या साइबर क्राइम जो हो गए, चलिए साइबर क्राइम के लिए तो लॉ है, साइबर बुलिंग हो गई आपकी, या वाइट कॉलर क्राइम हो गए। वाइट कॉलर क्राइम किसको बोलते हैं अपन? वाइट कॉलर क्राइम जिसमें मतलब कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता, है ना? हो रहा है, क्राइम है, किया गया है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कई बार करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स करते हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, है ना? वो पहले नहीं हुआ करते थे, वो हो गए। उसके अलावा आप बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए, जैसे वो है ना कि आपके नीरव मोदी और उनकी बात कर रहे थे आप, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा लेके भाग गए देश का, ये सारे जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। गबन जो होते हैं, स्कैम्स जो होते हैं वो हो गए। इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए आपके, हर्षद मेहता का वो जो स्कैम हुआ था BR का, जो बैंक रिसीट्स का, वो क्राइम हो गया। इस तरह के जो क्राइम्स थे, पहले इस तरह के क्राइम तो हुआ नहीं करते थे, है ना? तो उस हिसाब से जो नेचर है वो चेंज हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, IPC की धाराएं उस तरह की बनानी होंगी, उस तरह के संशोधन अमेंडमेंट करने होंगे कि स्पेसिफिकली इस तरह के क्राइम को वो डील कर सके, केटर कर सके। अगर इस तरह के जो क्राइम होता है ना, एग्जैक्टली हमें 5-6 अलग अलग धाराएं और अलग अलग चीज़ों को लेके समझना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक कोई अमेंडमेंट इस तरह का नहीं हुआ है, या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इन सबसे डील करने का, ठीक है? दूसरा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा हमें लीगल प्रोसीजर का। अगेन, जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया 2 चीज़ें में कभी नहीं पड़ना, एक अगर आप अस्पतालों के चक्कर में पड़ गए और एक आप वकीलों के चक्कर में पड़ गए, तो मतलब आप ये मानिए कि आपका जो रखा हुआ, जो भी आपकी जमा पूंजी है, सब चली जानी है और होना जाना कुछ नहीं है। ये बोला जाता है, कहावतें हैं ना इस तरह की, कि एक बार कोर्ट कचहरी के मामले में जो पड़ गया वो समझो कि बिल्कुल बूढ़ा होकर या मर के ही निकलेगा बाहर। अपने यहाँ एक्चुअली लीगल प्रोसीजर इतना स्लो, इतना रिटार्डेड है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। एक तो जबरन के जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं ना, जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि भाई आसानी से हो सकते हैं या एक आध दो हेयरिंग में निपटाए जा सकते हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अभाव है जजेस का, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा, जिसको आप बोलते हैं ना कि एक तरह से इतना ज़्यादा लोग कम हैं या वर्कफोर्स इतनी कम है कि कई बार चाहते हुए भी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग होती चली जाती हैं, ठीक है? लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट टू अमेंड दिस लॉ इज टू फुलफिल द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस एंड सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर्स। एज वी से, द जस्टिस delayed is justice denied. ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब निर्भया के केस में भी अगर हम बात करें तो उनको फांसी पे चढ़ाया गया उन गुनहगारों को, लेकिन कितना साल लगा, कितने लंबा टाइम लगा, मतलब आपको मालूम था, पूरे देश को, पूरी दुनिया को मालूम था कि क्राइम इन्होंने किया है, सब कुछ मालूम था, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, उसकी जो लैक्सिटी है उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके लचीलेपन का फ़ायदा उठाते हैं लोग, उसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं, और ये आम आदमी जो है वो तो उठाता ही है। किसकी शय पे होता है ये? वकीलों की शय पे। जो आपके जो ये लीगल जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने बिजनेस बना लिया है उसको, उनकी शय पे लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं, निकलने का, बचने का रास्ता निकल जाता है। तो कम से कम जो चीज़ें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में नज़र आ रही हैं, एविडेंसेस भी हैं, तो कम से कम उसके लिए उसके लिए आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए, लेकिन आपको और उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, आपको उसको एक्सपीडिएट करने की ज़रूरत है, और आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड एक्शन में काम करने की ज़रूरत है ना। मतलब ये तारीख पे तारीख वाला काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो ज़रूरत है। अब रिमूव एम्बिग्विटी एंड वेगनेस। एक तो क्या है हमारे यहाँ ना, अगर आप लीगल लैंग्वेज में जाते हैं तो उसमें इतनी एम्बिग्विटी, इतनी वेगनेस है, इतना मतलब लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता कि एक्चुअली आम आदमी से अगर आप बात करने जाएँ ना तो वो इसी में उलझ जाता है, जो जिसको बोलते हैं ना संवैधानिक भाषा में या कानूनी भाषा में, उसी में आदमी इतना उलझ जाता है। अगर आप अगर आपने कभी जैसे बोलते हैं ना कोई दस्तावेज़ या कोई आपने हलफनामा अगर कभी बनवाया है कोर्ट से, अपन देखा होगा आपने, तो आप उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा कभी, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो कई बार इतनी पेचीदा भाषा रहती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा रहती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लिटरेसी दर तो आपको हिंदुस्तान में मालूम है कैसा है ना। तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बेसिकली क्या है, लॉ हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बना रहे हैं? ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों को कानून से जो व्यवस्था है उसका फ़ायदा उठा सकें, वो उससे मिल सके उनको उनका फ़ायदा, राइट, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके, आसानी हो सके। तो कम से कम जो चीज़ें हमें दिक्कत दे रही हैं, जो जबरन की जो पेचीदगी है, उसको तो सुलझाए ना हम। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, मतलब चलिए लिटरेट, इलिटरेट और एजुकेटेड अनएजुकेटेड की तो बात छोड़ देते हैं, ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आप जाके आई बेट यू, अगर आपकी फैमिली में कोई लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, जनरली जाके आप किसी से पूछिएगा अपने घर में, मम्मी से, पापा से, मैम से, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो, है ना, बहुत कम लोग होंगे, 100 में से आप मान लीजिए हार्डली 5-10% लोग होंगे, 10-20 लोग होंगे जिनको एक्चुअली ये मतलब पता होगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। और आपको मालूम है इतनी थिन लाइन है इसके बीच में, इतनी थिन लाइन है कि बस आप ये समझ लीजिए कि 299 में इसका जिक्र हुआ है कल्पेबल होमिसाइड का, और मर्डर का हुआ है एक्ट IPC की धारा 300 में, ठीक है। अब इसमें भी होमिसाइड के भी बहुत सारी डेफिनेशन है कि होमिसाइड किस किस तरह की होती हैं। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है कि भाई मारा गया है किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से। अब ये टर्म जो है ना, ये लैटिन शब्द टर्म है बेसिकली, ठीक है, तो लैटिन टर्म है। अब इसमें हुआ है कि एक व्यक्ति का जो मर्डर है, वो की हत्या जो है वो दूसरे व्यक्ति ने की है विद द इंटेंशन ऑफ द मर्डर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ना, बहुत थिन लाइन है। और मर्डर जो है वो मतलब किसी व्यक्ति की हत्या तो हुई है, लेकिन हो सकता है इंटेंशन ना हो मर्डर का, हो सकता है गलती से मर्डर हो गया हो सकता है गलती से जान चली गई हो, मतलब उसमें बहुत सारे फिर इफ़ एंड बट्स एंड क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो बहुत थिन लाइन है ना, बहुत मुश्किल है समझने में। होमिसाइड इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल, पर कल्पेबल होमिसाइड तो डिफाइंड है, जैसे मैंने कहा 299 में है। अब होमिसाइड जो है ये बता दिया उन्होंने कि लैटिन शब्द है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें मतलब बड़े बड़े जो नॉर्मल ज्ञाता हैं उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि भैया डिफरेंस है क्या, ये तो समझा दो अच्छे से कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस है क्या। अब ये मिलते जुलते शब्द ज़रूर हैं, लेकिन इंटरचेंजेबल नहीं है आईपीसी में, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि कल्पेबल होमिसाइड की जगह आपने मर्डर बोल दिया, मर्डर की जगह आपने कल्पेबल होमिसाइड बोल दिया, ये नहीं बोल सकते। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इंटेंशन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि सामने वाला जो है उसकी हत्या हो जानी चाहिए। दूसरी बात कि आपका इंटेंशन या कॉज होना चाहिए मारने का उसको, ठीक है। तीसरी बात, आपने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सामने वाला मर गया। मर्डर जो है वो बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, बाय और भी रीजंस हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ। हालांकि क्लियर होने के लिए बहुत पेचीदा सा रास्ता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मत पढ़ो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, ये मेरा बनाने का जो बताने का आपको जो आशय था वो ये था कि इसकी जो एम्बिग्विटी है ना, ये जो वीकनेस है, इसको थोड़ा सा हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो लोगों के लिए डेफिनेशन, तो उनके लिए आसानी होगी, ठीक है। ये अफलातूनी भाषा को थोड़ा सा आसान कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। to give a fair share to individual in the criminal justice system, since an accused as an individual is pitted against the might of the state, criminal law must ensure that the state does not take undue advantage of the position as a prosecutor. अब आपने सुना होगा ना, public prosecutor होते हैं जो स्टेट की तरफ से काम करते हैं, तो अब क्या होता है इसमें फेयर शेयर जो है वो लोगों को मिलना चाहिए. मतलब क्या, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब अक्यूज्ड होता है और कॉन्विक्ट होता है वो इंडिविजुअल होता है, और वो किसके अगेंस्ट पिट करता है, सरकार के अगेंस्ट. आपने सुना है फला फला वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, या वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और वट एवर एक्स वाई जेड. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक इंडिविजुअल हैं और आप स्टेट के अगेंस्ट पिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो आप हैं बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट में हैं. तो यहाँ पे स्टेट की जो है वो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अनड्यू एडवांटेज ना ले ऑफ द पोजिशन एज अ प्रोसिक्यूटर. ठीक है, उसमें एक फेयर चांस जो है वो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए. ओके, अब बात कर लेते हैं हम कि मेजर चेंजेस जो बात की है अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने बात की है कि कौन से ऐसे मेजर चेंजेस हैं जिनकी ज़रूरत अभी है, तत्कालिक रूप से है. ठीक है, सबसे बड़ी बात है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप. ये मैरिटल रेप के ऊपर बहुत सारी बातें अभी चलती हैं इंडिया में, इसके ऊपर बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो भी लिखे जाते हैं. एनजीओज़ ने बहुत आवाज़ उठाई, कई जो महिला संगठन हैं जो विमेन राइट्स के ऊपर काम करती हैं उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई कि मैरिटल रेप, टिल नाउ मैरिटल रेप हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज रेप इन इंडिया. ठीक है, ये आपको अगर आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना, अगर आप ये भी समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लॉज आज भी इतने सुस्त, इतने ढीले हैं कई मामलों में कि हमारे यहाँ जो दुनिया में ऑलरेडी बहुत आगे तक लोग आगे पहुँच चुके हैं, बहुत आगे तक एडवांस हो गया है, हम अभी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्पेशली अगर आप डोमेस्टिक मामले देख लेते हैं, सिविल केसेस अगर आप देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम वाकई आज भी पता नहीं कौन सी सदी में, कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं. ठीक है, तो मैरिटल रेप जो है वो इंडिया में अभी तक क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन. लॉ कमीशन ने जबकि इसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई इसको आप क्रिमिनलाइज करो, लेकिन उसके बावजूद नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ जैसे मैंने कहा कि मैरिटल रेप, आपको ये समझना होगा कि हमारी जो सोसाइटी का जो ताना बाना है ना वो कैसा है कि बहुत बड़े स्तर पे, एक तो हमारे यहाँ वैसे भी औरतों की जनसंख्या जो है वो कम है, ये तो आपको मालूम है ना कि रेशियो जो है हमारे यहाँ वो हिला हुआ है ना. ज़्यादातर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, तो वहाँ पे औरतों की संख्या मर्दों से ज़्यादा होती है. ठीक है, लेकिन इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, या खासकर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक तरह की चीज़ देखी गई है कि औरतों की संख्या मर्दों से कम है, तो रेशियो में वैसे ही डिसबैलेंस है, डिस्पेरिटी है. अब उसमें क्या होता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, ऊपर से फीमेल जो आप जो हत्या कर दी जाती है, फीटस जो वो कर दिया जाता है, जो प्रीनेटल और वो सब जो चीज़ें होती हैं, क्राइम होती है, वो बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, है ना. उसके अलावा भी बहुत सारे इशूज़ हैं, पढ़ाई लिखाई का दर नहीं है, तो बहुत कम उम्र में चाइल्ड मैरिजेस, और अभी भी गांव देहात में बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है. ठीक है, तो वो जो औरतें हैं ना, आपने अभी भी उनको इक्वल मतलब उनको मौका नहीं दिया है, एक्सपोजर नहीं मिला है. मैं ये नहीं कहूँगी कि औरतें इक्वल नहीं हैं, लेकिन औरतें उनको इक्वालिटी का या बराबरी का अभी भी कई जगह पे समाज में मौका नहीं दिया गया है. राइट, फॉर ऑल द लिबरेशन, ऑल द एजुकेशन, इट इज़ स्टिल अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें कम से कम मैरिटल रेप को आपको रिकमेंडेशन दिया गया कि इसको कम से कम, इस चीज़ को आपको क्या करना चाहिए, आपको लॉ के अंदर लाना चाहिए, इसको आपको क्रिमिनलाइज करना चाहिए. वेरियस कमिटीज एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रॉ हैज़ बीन डिमांडेड बाय मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. अब बात हो रही है जेंडर न्यूट्रलिटी की. जेंडर न्यूट्रलिटी इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंस अंडर आईपीसी, द लैंग्वेज ऑफ दीज सेक्शन रिलेटिंग टू सेक्शुअल ऑफेंसेस नीड टू बी अमेंडेड टू अ न्यूट्रल जेंडर रादर देन कंटिन्यूइंग विद द लैंग्वेज रिलेटिंग टू द फीमेल जेंडर. अब क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि चीज़ें, सामाजिक चीज़ें इतनी बदल गई हैं ताना बाना, कि क्या होता है जब हम बात करते हैं सेक्शुअल ऑफेंस की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि किसी बच्ची के साथ, या किसी महिला के साथ, या किसी लड़की के साथ हुआ होगा. हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पर लड़के भी, पुरुष भी, आदमी भी, बच्चे भी उतने ही वल्नरेबल हैं. तो कम से कम अगर आप सेक्शुअल ऑफेंस की बात करते हो तो उसमें आपको एक जेंडर न्यूट्रल न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है। आप अपनी लैंग्वेज कम से कम जेंडर न्यूट्रलिटी पे लाइए। अभी आपने अगर सुना होगा यूक्रेन रशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं, है ना, जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें एक बार बार इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, बार बार ये सब बातें पता चल रही हैं कि एक 10 साल के बच्चे का रेप किया गया, 11 साल के बच्चे का लड़के का रेप किया गया, 6 साल के बच्चे का रेप किया गया। तो दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन जेंडर, इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग प्रोटेक्शन टू ओनली वुमेन और ओनली फीमेल, इट इज़ अबाउट गिविंग प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन स्पीशीज़। आपको इंसानों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको जेंडर न्यूट्रल होना पड़ेगा। बाकी सब तो छोड़िए, अभी वो अभी मैं जो न्यूज़ पढ़ रही हूँ उसमें यह है कि मॉनिटर लिजर्ड का रेप कर दिया गया, राइट। सो यू हैव टू मेक इट नॉट ओनली जेंडर न्यूट्रल, आपको उसको सबके लिए वो करना होगा। आपको इस तरह के अपराधों को होता है पिनलाइजेशन किया जाता है, पिनलाइज किया जाता है, लेकिन कम से कम एक जो माइंडसेट है उसको बदलने की ज़रूरत है और आपकी लैंग्वेज आपको जेंडर न्यूट्रल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अमेंडमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 124A ऑफ IPC विच डील्स विद सेडिशन लॉस। सेडिशन आपको मालूम है ना किसको बोलते हैं। सेडिशन जो होता है, द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज एम्बिगुअस एंड दैट इज व्हाई इवन अ सिंपल डिसेंट फ्रॉम द पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकर्स ऑफ द गवर्नमेंट में अट्रैक्ट द सेडिशन चार्ज, दैट इज व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लैंग्वेज। सेडिशन मतलब जैसे आप समझते हैं, सेडिशन मतलब किसी को भी भड़काना या किसी को भी आक्रोशित करना सरकार या व्यवस्था के अगेंस्ट, है ना। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो राजद्रोह, मतलब बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत सीरियस नेचर का चार्ज है। और प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी। मतलब अभी भी उसमें बहुत एम्बिग्विटी है, बहुत मतलब जिसको आप बोलते हैं ना कि आप एक तरह से बस ये समझ लीजिए कि जब हम इम्पीरियलिस्टिक जो साम्राज्य था उसके अधीन थे, वहाँ की जो लैंग्वेज होगी सेडिशन की, जो उनके जो कंसेप्ट होगी, जो फिलॉसफी होगी सेडिशन की, और आज के डेट में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको मुझे मतलब कॉमन सेंस है तो समझ में आ ही रहा है, राइट। तो उसको कम से कम हमारी जो भाषा है उसको हमको सीधी भाषा में उसको थोड़ा उसका जो जिसको लैंग्वेज है उसको बिल्कुल सीधा आपको करना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरह के कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। अदरवाइज आप सेडिशन का चार्ज किसी व्यक्ति पर लगा दीजिए और आप उसको जेल में रख दीजिए तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई ना। आप उसको चार्ज क्या हो रहा है, बाद में एविडेंसेस क्या प्रूफ हो रहे हैं, बाद में उस पर क्या धाराएँ चल रही हैं, किस तरह का ट्रायल चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन सेडिशन का चार्ज अपने आप में ही लगना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं लॉस इन कस्टोडियल नेचर एंड डेथ, अब क्या होता है कि कस्टडी में रखा गया है, सुना है ना, ये भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा फिल्मों में बोला जाता है फला को कस्टडी में रखा गया है। ये इनफैक्ट चलिए आपने फिल्मों में नहीं भी सुना होगा, आपको लगता होगा मैम कितनी फिल्मी है, हर चीज़ में फिल्म ले आती हैं, लेकिन वो यार वो समझना आसान होता है ना। बाकी क्योंकि तुम लोग क्या है पढ़ते लिखते मतलब न्यूज़पेपर अगर ज़्यादा पढ़ते नहीं हो तुम लोग, है ना, तो इसी तरह समझाना पड़ता है। तो अब क्या है कि चलो न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो उसमें सुना होगा ना कि फला जो है इतने दिन की जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है, ये इतने दिनों की कस्टडी में रखा गया है ना। तो अब क्या होता है उसमें एक और बात सुनिए, 3rd डिग्री टॉर्चर मत करो यार। मुझे अपना सड़ा सा गाना सुना के 3rd डिग्री टॉर्चर मत करो। 3rd डिग्री टॉर्चर जो है ना, ये कहाँ से आया है, ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। तो ये बेसिकली जो टॉर्चर किया जाता है, अब क्या हुआ है कि इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो लॉज हैं वो बनाने की ज़रूरत है। क्या होता है, थोड़े से टफ लॉज बनाने की ज़रूरत है लॉ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखे गए हैं कस्टोडियल टॉर्चर्स के, कि बहुत ज़्यादा जो कस्टडी में जो क्रिमिनल्स हैं या कॉन्विक्ट्स हैं जिनको कस्टडी में रखा गया है, उनको पुलिस ने या वहाँ की जो मशीनरी है उसने बहुत ज़्यादा कस्टडी में अपनी टॉर्चर किया है, ठीक है। उसके ऊपर केसेस देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा राइज देखा गया है कस्टोडियल डेथ का, जो कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा जो है ऊपर गया है। इनफैक्ट आजकल तो आप एनकाउंटर भी सुनते हैं ना, पहले देखा जाए एनकाउंटर तो खैर लीगल है, एनकाउंटर ऐसे नहीं हो सकता, उसके बहुत नियम कायदे कानून है, ऐसे एनकाउंटर तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बदलती हुई भारत की तस्वीरें किस तरह की हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमने समझ ली, अब हम कुछ बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्रिमिनल लॉस की हमने बात कर ली, अमेंडमेंट की हमने बात कर ली, जो बातें हो रही हैं कि भाई उसको करना बहुत ज़रूरी है, स्टेक होल्डर्स से आपको सलाह मशवरा करके, लेकिन आपको बदलने की ज़रूरत है। अब हम समझते हैं कुछ ऐसे केसेस जो अभी अभी फ़िलहाल उभरे हैं, ठीक है, ऐसे केसेस जिन्होंने आप कह सकते हैं कि एक तरह से ललकारा था अथॉरिटीज़ को, आपके जुडिशल सिस्टम को, और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी, रिट पिटिशन दायर किया गया था, ठीक है। अब रीसेंट लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ जजमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जहाँ पर Supreme Court has tried the either gave clarity regarding the sections of criminal law as per contemporary times or played a key role in evolution of section of criminal. अब इसमें दो चीज़ें हुई हैं जिस वजह से बहुत लैंडमार्क माने जाते हैं कि जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब दरकार लगाता है कोई आदमी, है ना, जब रिट दायर करता है, दरकार लगाता है, या जिससे आपने बोला था कि PIL दायर वगैरह की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वगैरह, तो उस पर भी अगर बात करते हैं रिट दायर करी जाती है जैसे मैंने बोला ही, तो उसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट या तो समझाने की उसको IPC की जो धाराएं हैं उनको या अपने जो भी उनकी जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको अपने हिसाब से उनको आज की परिस्थिति में, यथार्थ में, आज के समय में उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको लागू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। या फिर एक और चीज़ हुई है, कई जगहों पर उसने एवोल्यूशन करने की भी चेष्टा की है, कोशिश की है, और उसने किया भी है, एवोल्यूशन किया है सेक्शंस में क्रिमिनल लॉज के, ताकि वो पर्टिकुलर आज के टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे फिट इन हो सके। अब इसमें कुछ केसेस हम देख लेते हैं। एक तो अमीश देवगन का केस है, ठीक है, ये था यूनियन ऑफ इंडिया 2020, बहुत रिसेंट बात है। और अमीश देवगन बेसिकली जर्नलिस्ट हैं एक, ठीक है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स एसोसिएटेड हैं, और इसमें हुआ क्या कि उन्होंने काफ़ी जो प्रोग्राम्स थे उनके, टीवी प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, एक तो टक्कर उनका काफ़ी फेमस था, उसके अलावा भी एक टीवी प्रोग्राम उनका काफ़ी फेमस था। अब उसमें हुआ क्या कि उन्होंने डिबेट कॉल की, और डिबेट काहे पे कॉल की उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव सा मुद्दा है भारत में जो, और स्पेशली आज की जो हमारी जो इस तरह का भारत का एक जो आप कह सकते हैं ना एक रुख चल रहा है जिस तरह का, उसके ऊपर, ठीक है। अयोध्या का मामला था, अयोध्या में जो राम मंदिर था उसके ऊपर था, और उन्होंने कहा कि 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसा था उस पर हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हम उस भी लेके चलें तो क्या दिक्कत है, मतलब इसी तरह का एक टॉपिक था, थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक था, इंसाइटफुल टॉपिक था, और थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था जो कि बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि भारत में ना धर्म से ज़्यादा कोई सेंसिटिव मामला नहीं है। आप धर्म पे छेड़ दीजिए किसी आदमी को और आप यहाँ पे दंगे भी हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मार भी डालेंगे, काट भी डालेंगे, देश के नाम पर आप बोल दीजिए, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। धर्म के मामले में, धर्म के नाम पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वाला हिसाब है अपने यहाँ, ठीक है। तो इस तरह कोई डिस्कशन हुआ। अब उस पर क्या हुआ कि उस पर दोनों ने ही, अब मज़ेदार बात ये थी कि जो डिस्कशन हुआ उस पर दोनों ने ही उनके ऊपर मामला उठा दिया, वो हिंदू महासभा ने भी उठा दिया और मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी, मतलब दोनों ही जो पक्ष थे, हिंदू मुसलमान अगर अपन करते हैं तू मैं उसमें अगर हम बात करते हैं, तो दोनों ने ही उनके ऊपर दायर कर दिया कि भाई तुमने हमारे अगेंस्ट बोला, तुमने हमारे अगेंस्ट बोला, ये बात हुई। तो अब हुआ क्या कि अमीश देवगन ने फिर फाइनली उनके ऊपर बहुत, जैसे सोशल मीडिया की मैंने बात की, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत गालियाँ लिख के भेजने लगे लोग, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया लोगों ने, डेथ थ्रेट दिए लोगों ने, मतलब मारने की, मर्डर करने की, और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज करने की, दुनिया भर की जो चीज़ें थी वो आने लग गए, है ना। अब एनोनिमिटी के अंदर क्या होता है कि आप जब एनोनिमस हो ना सोशल मीडिया में, तो फिर आप उसके पर्दे में आप बहुत कुछ कर जाते हो और किसी को पता तो है नहीं। अब ये तो इतना तो अकल ही नहीं होती ना लोगों में कि आपके IP एड्रेस के थ्रू आपका निकाला जा सकता है, या साइबर सिक्योरिटी जो है उसके थ्रू अगर चाहें तो आपको ट्रेस किया जा सकता है, इतना तो सोचते ही लोग। जबरन एक ट्रोल कर दिया, जबरन कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग वो दी जाती हैं, थ्रेट्स दी जाते हैं। तो उस पर उन्होंने एक्चुअली रिट दायर की, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे केसेस में जब आप हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो उसमें बात की गई कि भाई मुझे जो एक जिसको बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें और एक इस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है जो निकल के आता है, चलिए अपन बहुत ज़्यादा इसमें एकदम रामायण में नहीं जाते, अयोध्या की बात की अपन ने तो भी, कि बात जो निकल के आती है वो ये होता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में फ़र्क होता है, ठीक है। ये बात जो है निर्णय निकल के सामने आता है, इसमें बात की जाती है इन दिस केस ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, सेक्शन कंसर्न्स इंक्लूड सेक्शन 153B एंड सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है। बात क्या हुई कि आपने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये मामला था। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई साहब अब आपको, यू हैव टू मेक अ डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन द फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच, ठीक है, दोनों के बारे में बात की गई। और कहा गया वाइल फ्री स्पीच डज कंप्राइज द राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्री स्पीच के तहत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे सवाल उठा सकते हैं, आप गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले सकते हैं आप, उनको आंसरेबल, उनको आप कह सकते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी आप क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जिसमें आप आक्रोशित करें जनमानस को सरकार के खिलाफ, या आप धर्म का इस्तेमाल करते हुए या हेट स्पीच का करते हुए आप एक कम्युनिटी में अनरेस्ट या ग्रुप में अनरेस्ट या आप सामाजिक जो हमारा ढांचा है या सामाजिक जो हमारी सॉवरेनिटी है या सेकुलरिज्म है उस पर क्वेश्चन उठाएं या किसी भी तरह का डिस्प्यूट रेस करें या फिर आप कोई अनरेस्ट की सिचुएशन देश में पैदा करें, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस वजह से बहुत माइलस्टोन डिसीजन माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर किया। ठीक है, पहले तो होता ही नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं हम एक और जर्नलिस्ट ने, अनुराधा भसीन ने यूनियन ऑफ इंडिया अगेन 2020। अब ये समझ गया ना यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर क्यों होता है या स्टेट के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि भाई आईपीसी जो है उस पर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट है जो नियम है उसके अगेंस्ट, इसलिए या तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा या स्टेट ऑफ इंडिया के या रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा। अब अनुराधा भसीन जो है ये भी एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये आप मान सकते हैं कश्मीर टाइम्स की जर्नलिस्ट है ना, तो वहाँ पे जो श्रीनगर एडिशन होता है वहाँ की है। अब इन्होंने क्या सवाल उठाया कि 370 जब आर्टिकल स्क्रैप हुआ कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ पे जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत लंबे अरसे तक नेट जो है वो बंद रहा है ना, किसी भी तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरी तरह से देश से एक तरह से कट ऑफ रहा क्योंकि सोशल मीडिया और नेट जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो इस पर और बाकी सारी चीज़ों पर भी बहुत दिक्कत आई, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका ही सवाल इन्होंने भी उठाया कि ये जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, इसके चलते हुए वो अपने पेपर का एडिशन जो है वो जारी नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं निकाल पा रही हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मुझे एज भारत का नागरिक होने के नाते मुझे ये अधिकार है कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है और मुझे अपना जो व्यवसाय चलाने का भी मुझे फ्रीडम है, तो उसके तहत उन्होंने रिट दायर की थी। ठीक है, अब इसमें वन ऑफ द इशूज इन द केस वाज रिगार्डिंग द एक्सेसिव इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, मतलब ये CRPC था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि सेक्शन 144 CRPC जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता कैसे, एज अ टूल टू प्रिवेंट लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ टूल to prevent legitimate expression of opinion. This is very important. The court further held that section 144 CRPC is not only remedial, वो एक तरह से सिर्फ वो remedial है, but also preventive and shall be exercised only in case where there is a danger or apprehension of danger. तो इसको आप as a tool के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक remedial है, या फिर इसको सिर्फ तब यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे danger हो या imminent danger हो। तो ये भी अपने आप में एक landmark decision सुप्रीम कोर्ट का रहा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं एक और डिफरेंट केस पे, अभी तो जर्नलिस्ट चल रहे थे, अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पे। ये आ जाती है बात नवतेज सिंह जौहर की, या जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। और ये बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, अब इंडियन पीनल कोड, जैसे मैंने कहा कि कुछ मामलों में हम अभी भी 1800s में अटके हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हुई सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC क्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स फॉर बीइंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, अब ये तो बात क्या हो रही है भाई साहब, ये बात हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि बनाया था कितने ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स, जैसे बाइबल में भी ये चीज़ लिखी गई है ना, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर और इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, तो उनने ये कहा, इस आदमी ने जो नवजेत सिंह जी थे, उन्होंने एक गुहार लगाई, एक रिट पिटिशन दायर की, और ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि आप जब LGBT राइट्स की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है, ये होमोसेक्सुअलिटी में बहुत बड़ा कदम माना जाता है कि उन्होंने कहा कि भाई आप अगर कंसेंशुअल रिलेशन है, दो कंसेंटिंग पार्टनर्स के बीच में, अगर वो सेम सेक्स को भी बिलोंग करते हैं तो भी आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, आपको उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो इसके ऊपर उसने गुहार लगाई थी और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मानी। ठीक है, हाउ एवर द कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू इक्वल सिटीजनशिप of all members of LGBTQI community in India. Thus, it reads down the section 377 to exclude consensual sexual relation between adults, whether between same individuals otherwise. तो क्या बात हुई कि consensual relationships, चाहे वो same sex के हों चाहे वो opposite के हों, that was restored by the consent was restored by the Supreme Court of India. अब हम आ जाते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है इसी वजह से. इसके बाद हम बात करते हैं जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की. इसमें बात की गई, इसमें भी अगेन बात इसी तरह की कोई चीज़ की गई. इसमें बात ये की गई कि भाई एडल्ट्री की बात की गई इसमें, ठीक है. एडल्ट्री का जोसेफ शाइन जो है, शी वॉज इंडियन सिटीजन थी, इटली में बेस्ड थी. उन्होंने ये केस लगाया और उन्होंने कहा दिस इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने ये केस लगाया और उन्होंने कहा कि आप एडल्ट्री को किस तरह से वर्क करते हैं. आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन टू सेक्शन 497 ऑफ IPC विच क्रिमिनलाइज एडल्ट्री वाइल ट्रीटिंग अ मैरिड वुमन एज अ कमोडिटी ऑफ अ हस्बैंड. अब इसमें क्या था, पहले एडल्ट्री का जो चार्ज है हिंदुस्तान में आज भी वो मर्दों पे लगता है, औरतों पे एडल्ट्री का चार्ज नहीं लगता. ये इस तरह की बातें अगर आपको पता होगा सिविल केसेस के बारे में या आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा. नहीं पता है, अगर लॉ में इंटरेस्ट है, अगर आगे चल के क्लैट वगैरह करने वाले हो ना, तो ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा काम आएगा, ठीक है. तो ये वाली बात है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था कि आपको इक्वालिटी देनी चाहिए. भाई लॉ में सब इक्वल हैं, आप किसी में फ़र्क नहीं कर सकते, आप जेंडर के बेसिस पे आप फ़र्क नहीं कर सकते. द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन वाज बेस्ड ऑन द जेंडर स्टीरियोटाइप. ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज़ को माना कि भाई ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो नोशन था, जो आज से 100-150 सेंचुरी पहले एग्जिस्ट करता था, ये जो है कोर्ट में जो अपने लॉज बने हुए हैं ये उसी पे अभी भी आधारित हैं. And hence violated Article 14, equal protection of law, and Article 15, non-discrimination on ground of sex of the Indian Constitution. ठीक है. और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में जिस चीज़ के बारे में बात की गई है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे. इक्वालिटी अंडर द आइज ऑफ लॉ एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेट करता है. ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी, ठीक है. और इस वजह से ये चार जो केसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये चार ऐसे केसेस हैं जो बहुत लैंडमार्क डिसीजंस हैं. अगर आपके को कोई पूछेगा तो आपको अगर इनके बारे में पता है तो यू विल बी हैविंग द अपर एज ऑन दिस, ठीक है. इसके अलावा लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. हमने प्रॉब्लम बात कर ली, हमने बहुत सारे चीज़ें उस पर डिस्कस कर ली, कैसी है, क्यों है, किस तरह से है. नाउ सी, हम आगे का रास्ता देखते हैं. जो बीत गई सो बात गई, है ना. इतने सालों से जो चल रहा था, किस तरह से चल रहा था वो हम जाने देते हैं, हम आगे का रास्ता देखते हैं. चेकिंग लॉज रेलेवेंस एंड इन्फोर्सिबिलिटी. वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई हमें आज की तारीख में जो लॉज हैं उनकी कैसे इनैक्टमेंट है या इन्फोर्सिबिलिटी कैसी है, हमें वो देखना है, ठीक है. द लॉज विच आर आउटडेटेड एंड नॉट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एम्पेरिकली रिसर्च शुड बी डन फॉर द सेम. द प्रॉब्लम विद द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविजन शुड ऑल्सो बी चेक्ड. कि भाई ऑब्सोलीट हो गए हैं जो लॉज अब किसी भी तरह से आज के समाज में फिट ही नहीं बैठते, मतलब वो होते ही नहीं है, है ना. आपको वो चीज़ें, एक तो सबसे बड़ी बात आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बहुत गहराई में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा. वो एक आध 2, 4, 5, 10 दिन या महीनों का काम नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ चली आ रही है उसको बदलने के लिए धीरे धीरे वो शिफ्ट करना पड़ेगा. लेकिन वो शिफ्ट कब होगा, जब आप प्रॉब्लम एरिया को समझ जाएंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉब्लम एरिया को समझिए, आप ये समझिए कि कौन से लॉ है जो ऑब्सोलीट हो गए हैं और कौन से लॉ हैं जिनको लाने की ज़रूरत है, और फिर उसके मुताबिक आप अपना जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कीजिए. अकोमोडेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम. अब जैसे मैंने कहा कि भाई चीज़ें बदल गई, पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, ट्रोलिंग नहीं होती थी, साइबर लॉ वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, फाइनेंशियल क्राइम्स नहीं होते थे, स्कैम नहीं होते थे, घोटाले नहीं होते थे, सब कुछ होने लगा है ना. तो आपको उस तरह का लॉ चाहिए ना. आपको एक, अभी आप सोचिए जो 4 केसेस हमने किए वो यूनियन ऑफ इंडिया को क्यों क्वेश्चन करना पड़ा, लोगों को इसलिए करना पड़ा, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने पड़े, क्योंकि भाई कोई स्टेटेड लॉ नहीं था. स्टेटेड लॉ होता तो सुप्रीम कोर्ट सामने रख देता कि इस केस के तहत ये चीज़ हो रही है, या फिर मे बी लोगों को ही वो आपत्ति नहीं होती, ऑब्जेक्शन ही नहीं होता. अगर कोई स्टेटेड लॉ होता, अगर मेरी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोई ऑलरेडी कोई लॉ होता, या मुझे लगता कि भाई मेरी हमारी जो राइट है वो हैम्पर नहीं हो रही है या उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है या मुझे गुहार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो किसके पास टाइम है कि आदमी जबरन जाके गुहार लगाएगा? कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है ना कि मेरी जो राइट है, जो बेसिक राइट है, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, वो हैम्पर हो रही है, तभी तो मुझे जाके दरवाज़ा खटखटाना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट का। तो वो अमेंडमेंट्स तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे टू अवॉइड डुप्लिसिटी एंड कन्फ्यूजन, सेपरेट चैप्टर्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। अलग अलग चैप्टर्स बनाने हैं, अलग अलग एक्ट्स पे काम करना है, जैसे साइबर लॉ पे आपको काम करना है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे मैंने कहा स्कैम्स हो रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम हो रहा है, हवाला हो रहा है, उस पर आपके क्या प्रोसीजर्स हैं वो आपको बिल्कुल डिफाइन करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली डिफाइन करने पड़ेंगे। शुड बी एडेड टू आई, ये सब आपको आई में एक्ट ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। Updated Act, according to the report of Malimat Committee on Reforms of Criminal Justice System, the Indian Police Act भी नहीं बदला है। आपको मालूम है इंडियन पुलिस एक्ट, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने यहाँ। इंडियन पुलिस एक्ट भी मतलब 1860 में आईपीसी बना था और 1861 से जो इंडियन पुलिस एक्ट चल रहा है, हमारी पुलिस आज भी उसी एक्ट पे काम करती है। मतलब इतने साल, वो जो सिंघम विंघम फिल्मों में दिखता ना, वो सब ऐसे ही है। इंडियन पुलिस एक्ट में भी कोई ख़ास मेजर चेंजेस, संशोधन नहीं हुए हैं। जबकि आप समझ रहे हैं सोसाइटी में, भाई उस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे बनाया था, आज़ादी के भी तकरीबन 100 साल पहले, 80 साल पहले वो बन के तैयार हो गए थे और आज तक भी उसी ढर्रे पे चल रहा है वो, ठीक है। हैज़ बिकम आउटडेटेड एंड न्यू पुलिस एक्ट मस्ट बी इनैक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ ड्राफ्ट बाय द नेशनल पुलिस कमीशन। नेशनल पुलिस कमीशन इसकी कई बार इसका मसौदा तैयार करके दे चुका है, कई बार उसकी रिकमेंडेशन दे चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते हुए समाज के साथ पुलिस को भी बदलने की ज़रूरत है, हमारी जो मशीनरी है उसको भी बदलने की ज़रूरत है और हमारी मशीनरी को भी इक्विप्ड होने की ज़रूरत है विद द चेंजिंग टाइम्स। और उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो उनका भी जो फ्रेमवर्क है, जो उनके एक्ट हैं, उसमें भी संशोधन किया जाए, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस क्या हैं, अब अपन समझ लेते हैं कि जो बातें हो रही हैं वो तो बहुत सारी हो गई। रिकमेंडेशन, स्पेशल रिकमेंडेशंस क्या आई हैं। टेकिंग DNA एज अ Material of evidence is totally upon the discretion of the court, ठीक है। DNA तो आप समझते हैं ना, DNA तो अपन ने बहुत स्टडी किया, ये अगेन मैं बोलूँगी। अब चलिए मैं मूवी से निकल के थोड़ा सा टीवी पे आ जाती हूँ। इसमें DNA से वो आपने वो देखा है, वो कौन था, वो CID में कौन आते थे, वो ACP प्रद्युमन, हाँ ACP प्रद्युमन और सालुन खे, है ना। वो DNA एनालिसिस कैसे करते थे ना, उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है DNA मटीरियल ऑफ एविडेंस इज टोटली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, ये जो है ये कोर्ट का निर्णय होता है। Insertion of Section 53A for the protection of women at the workplace, protection of women या exploitation of women at the workplace, ठीक है। ये बहुत important है। इसमें बोला गया उन्होंने कि भाई आपको जो औरतों को एक तरह से जो उनकी वर्क प्लेस है उस पर किस तरह का आप वो देंगे, किस तरह का आप उनको बेनिफिट तो नहीं एग्जैक्टली, आप उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपको हैरासमेंट आ जाता है, इसमें हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस आ जाता है, इसमें टाइमिंग के भी आपके नॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये इंसर्ट करने की ज़रूरत है। उसने ये भी सजेस्ट किया कि इंसर्शन करना है सेक्शन 436A का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फॉर द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन जेल। जो प्रिजनर्स इन जेल हैं अंडर ट्रायल, आपको मालूम है भारत में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी एक्सट्रीम पे है कि अभी भी ऐसे कई सारे प्रिजनर्स हैं जो सिर्फ अंडर ट्रायल रह रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर अभी ट्रायल हुआ ही नहीं है, जो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं कोर्ट के सामने। तो वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी कुछ आप रिलीज़ का या उनके लिए कुछ फास्ट ट्रैक करने का या उनको आप छोड़ने का या कोई एक डिफरेंट आपको प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है, ताकि या तो इनके ऊपर ट्रायल हो सके, इनके ऊपर मुकदमा चल सके, या फिर कुछ तो इनका प्रोविज़न हो ना, कब तक कोई मुजरिम जो है वो अंडर ट्रायल आप जेल में रख सकते हैं, इसके ऊपर होने की ज़रूरत है। तो इसमें बोला है उन्होंने, ठीक है। इसके साथ आई एम श्योर आपने जितना मैंने आपको बोला कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, आपको पूरा कंटेक्सचुअल चीज़ें एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, ना सिर्फ हमने कंटेक्सचुअली ये समझा है कि हमें किस तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, हमने गहराई से किन चीज़ों को समझा है, हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सबको समझा है. ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर इन केस है तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकती. जैसा मैंने कहा कि हमारा लॉ जो है वही एम्बिगुअस और वेग है, तो लैंग्वेज भी हो ही जाती है, राइट. तो अगर मुश्किल हुई हो ना तो कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वापस जाओ, फिर से धीरे 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 पढ़ो, समझो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना, देखना कैसे है मैं बताती हूँ. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना, आपको मालूम है कि हमारा K-12 से लेके जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, NTSC, ओलम्पियाड, सबका आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा, राइट. आपको जाना है ओलम्पियाड पे. ओलम्पियाड पे जाएंगे तो क्या होगा, क्लिक करेंगे तो जितने हमारे ओलम्पियाड के टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और GK. ठीक है, जैसे GK है, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कर देना, तो इस तरह से ना आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे. अब ये जैसे शॉर्टी नोट सीरीज़ में है, तो ये सिलेबस ओवरव्यू है, लर्निंग स्ट्रैटेजी है, लाइफ स्किल्स है, नीचे शॉर्टी नोट सीरीज़ है, उसमें जाओगे, खोलोगे तो वहाँ पे वीडियो मिलेगा, ओपन करोगे तो पूरा वीडियो ओपन होगा, जो चीज़ समझनी है. अगर किसी चीज़ में कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला कि CRPC समझना है, तो CRPC अपन ने शुरुआत में किया था, यहाँ कहीं मिल जाएगा, उसको देखा, पूरा समझने की कोशिश करना. अगर हमने जो केसेस पढ़े थे उनको समझने की कोशिश करनी है तो वो करना, आगे बढ़ना, उसमें पूरा वीडियो देखना है, वेल एंड गुड. नहीं देखना, जो कन्फ्यूजन है उसको कंप्लीट कर लेना. ठीक है, अब मॉड्यूल, अब मैं बता देती हूँ कि हमारे वीडियोस आते कैसे हैं. हालांकि ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, अलग अलग अंतराल में आते हैं. शाम के 7 बजे आता है IGKO का, तो उसको क्या कर सकते हो, प्रीमियर सेट कर सकते हो, तो जब भी वीडियो आएगा पता चल जाएगा. ठीक है, अब YouTube की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो वैसे ही आप लोग प्रो है ना, तो इसी तरह हमारे जो चैनल है, जैसा उसमें जैसे हमारा लिखा रहता है वैसे ही हमारे YouTube पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको हमारे Facebook पे भी, इंस्टा पे भी सब कुछ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो आज हमने पढ़ी है, थोड़ा सा टेक्निकल सा टॉपिक है, थोड़ा सा कानूनी सा टॉपिक है, कानूनी सी भाषा भी इस्तेमाल करनी पड़ी है क्योंकि कोई चारा नहीं था, तो इसको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. अपन आगे पढ़ेंगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर क्लियर हो जाए ना तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना. कोई अगर कन्फ्यूजन होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक. ठीक है, बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. व्हाई? बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबके लिए इंटरेस्ट के हैं. इनफैक्ट अगर ये आप डिस्कशन अपने घर पे भी करेंगे ना तो दैट विल बी अ गुड आइडिया. ठीक है, सो बाय देन हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन में. बाय देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी गुड, स्टडी वेल एंड एन्जॉय योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.